हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सॉरी, बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को आने में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 हमारे पास प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा स्टडी कर चुके हैं। सेगमेंट डिस्क्रिप्टर वगैरह था हमारे पास, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, या फर्स्ट टॉपिक जो है आपके सिलेबस में, दैट इज नीड ऑफ प्रोटेक्शन। आज मैं क्लास में लेक्चर ले रहा था, तो मैंने पूछा स्टूडेंट से कि व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोटेक्शन। तो बहुत सारे लोग हंसने लगे उसमें, मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा, तो मुझे भी हंसी आने लगी। मैंने कहा, भाई डर्टी माइंड वाले लोग, या माइक्रो प्रोसेसर की बात हो तो और ज़्यादा हंसे फिर सारे के सारे, सर भी समझ गए। तो नीड ऑफ प्रोटेक्शन एड्रेस मैकेनिज्म में चल रहा है ना। प्रोटेक्शन हमारा कहाँ अप्लाई होता है? एड्रेस ट्रांसलेशन में। एड्रेस हमारे पास कितने टाइप के थे, याद है? नहीं याद है आप लोगों को? एड्रेस से हमारे पास तीन टाइप के। पहला था हमारे पास वर्चुअल एड्रेस, दूसरा था फिर मतलब वर्चुअल एड्रेस जो हम लोग देते, जो प्रोग्रामर दे रहा था, याद है ना, वर्चुअल एड्रेस था हमारे पास। दूसरा फिर क्या था हमारे पास, सेगमेंटेशन के थ्रू हम वर्चुअल एड्रेस को लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे थे। फिर हम लोग पेजिंग के थ्रू लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे थे। यही मैकेनिज्म था ना हमारे पास। तो प्रोटेक्शन की नीड क्या थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से हमने प्रोटेक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किए? तो अगर आपको मेरा वो वाला वीडियो याद हो जिसमें मैंने सेगमेंटेशन और सेगमेंट्स की बात की थी, बड़े मियाँ का कहानी सुनाई थी इसमें मैंने, तो बड़े मियाँ ने दीवारें क्यों लगवाई थी? क्योंकि बाहर से अनऑथराइज लोग आके उनके पेट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। कोई चेतक साहब के साथ कर रहा है, कोई स्नेक साहब के साथ कर रहा है, कोई डॉगी साहब के साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, कोई उल्टी से जहर खिला दे रहा है, कोई वायरस छोड़ रहा है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि वायरस के प्रॉब्लम थे। तो ऐसे प्रोग्राम जो हमारे जो कोर सेगमेंट है, हमारे सेगमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उनका मिसयूज कर रहे थे। तो ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे वायरसेस को रोकने के लिए हम लोगों को प्रोटेक्शन मैकेनिज्म यूज करने पड़े। सही है, समझ में आया? व्हाट वाज द नीड ऑफ प्रोटेक्शन, कि हम लोग के पास जो प्रोग्राम्स हैं उससे उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनवांटेड प्रोग्राम्स। सही। तो प्रोटेक्शन में हमारे पास होता क्या है कि एक ही प्रोग्राम में बहुत सारी फाइल्स को वो एक्सेस कर रहा होगा, बहुत सारे सेगमेंट्स को एक्सेस कर रहा होगा। ऑब्वियसली बात है, सेगमेंट समझ रहे ना, सेगमेंट यानी फाइल्स। तो एक प्रोग्राम होगा, अब उसमें हो सकता है कि मल्टीटास्किंग में हमने यहाँ पर एनेबल कर रखी है, तो उसकी वजह से कई सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे होंगे। अब हम ये नहीं चाहते कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के डेटा को एक्सेस कर ले, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कि जब एक एक प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो कई सारी फाइल्स को, कई सारे सेगमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उसमें प्रोटेक्शन की और ज्यादा जरूरत हो जाती है। तो हमारे पास ऐसे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होने चाहिए जो बहुत फास्टली जो है वो बग्स को डिटेक्ट कर सके और उनके डैमेज को कन्फाइन कर सके। समझ आई बात? कि वायरसेस तो आएंगे, हमारा काम है कि हम उन्हें पकड़े, ठीक है। तो हमारे पास द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन फीचर ऑफ 8086 इज टू हेल्प डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई बग्स। सही, कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है जिनमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल्स होंगे, थाउजेंड ऑफ सेगमेंट्स को वो यूज कर रहा होगा, और उसकी वजह से तो जो सेगमेंट हमारे यूज में है उनमें कोई बग ना आ जाए, उसमें कोई वायरस ना आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हो, ठीक है। इट इज वेरी क्रिटिकल टू डिटेक्ट एलिमिनेट बग्स एज क्विकली एज पॉसिबल टू कन्फाइन देयर डैमेज, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होते हैं इन डीबग एप्लीकेशन को फास्ट और रोबस्ट बनाने के लिए। तो अगर बाय चांस आता है नीड ऑफ प्रोटेक्शन, तो ये तीन चार लाइनें हम लोग को लिखनी है। वैसे आएगा नहीं, क्योंकि आज तक तो कभी पूछा है नहीं कि व्हाट वाज द नीड ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। लेकिन पूछा क्या जाता है, ये पूछ लेते हैं, व्हाट ओवरव्यू ऑफ 8086 डीएक्स प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। तो ओवरव्यू में हमारे पास कितने टाइप के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म थे? एक तो हमारे पास सेगमेंटेशन में प्रोटेक्शन था, और फिर हमारे पास पेजिंग में प्रोटेक्शन था। देखो, सेगमेंटेशन में हमारे पास सेगमेंट डिस्क्रिप्टर था। तो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर हम लोग को क्या क्या दे रहा था यार? एक तो हमारे पास था बेस एड्रेस सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, एसडी सूबेदार हमारा, नहीं 64 बिट का होता था। तो वो हमें क्या क्या दे रहा था, एक तो बेस एड्रेस देता था, एक लिमिट देता था, दूसरा फिर एक्सेस बिट्स देता था। एक्सेस बिट में हमारे पास प्रेजेंट बिट थी, ये जो सेगमेंट है वो प्रेजेंट भी है फिजिकल मेमोरी में या नहीं। उसके अलावा फिर हमारे पास टाइप चेक बिट थी, कि हम देखते थे कि ये हमारा कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है ना। फिर उसमें भी अगर डेटा सेगमेंट है रीडेबल है या राइटेबल भी है साथ में, या अगर कोड सेगमेंट है तो सिर्फ एग्जीक्यूटेबल है या रीडेबल और एग्जीक्यूटेबल दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप की चेक्स है, ठीक है। एक हमारा लिमिट चेक, कि हम ये चेक करेंगे कि वो लिमिट में है या नहीं, जो लिमिट जो ऑफसेट हमने दिया है, ठीक है ना। वर्चुअल एड्रेस में हम लोग क्या क्या देते थे, एक तो सिलेक्टेड देते थे सेगमेंट एड्रेस, और दूसरा ऑफसेट एड्रेस देते थे। तो ऑफसेट एड्रेस जो हमने दिया है वो लिमिट से छोटा है या नहीं है, तो हमें ये चेक करना है। दूसरा टाइप चेक होगा, किस जिस टाइप का हम लोग सेगमेंट चेक एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो सेगमेंट है या भी है या नहीं उस टाइप का।
और तीसरा जो है हमारे पास प्रिविलेज चेक है कि जो प्रोग्राम उसको एक्सेस करना चाह रहा है वो प्रिविलेज उसके पास है भी उस सेगमेंट को एक्सेस करने की या नहीं। सही, तो तीन टाइप के चेक्स हमारे पास होते हैं, लिमिट चेक, टाइप चेक और प्रिविलेज चेक। सही, तो बात करते हैं लिमिट चेक। तो लिमिट चेक में क्या करेगा कि हमारे पास जो ऑपरेशन है, ऑपरेंड्स है, वो तीन टाइप के है ना। हमारा माइक्रोप्रोसेसर कितने बिट का है, प्लीज इसका जवाब सही देना। 8086 कितने बिट का माइक्रोप्रोसेसर है? यस एग्जैक्टली 32 बिट का। सही है, चलो कम से कम इतना तो याद है तुम लोग, वरना एग्जाम देने के बाद सब भूल जाते हैं लोग। ठीक है, तो 32 बिट का हमारे पास माइक्रोप्रोसेसर है। उसमें जो ऑपरेंड्स है हमारे पास या जो डेटा हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो हो सकता है कि वो 8 बिट का हो सकता है कि वो 16 बिट का हो सकता है कि 32 बिट का हो, है ना, ये भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। तो हमें क्या चेक करना है, हमने हमारे पास जो लिमिट है, ठीक है, एक सेगमेंट की एक लिमिट थी, मान लिए मैक्सिमम लिमिट उसकी 1000 है ना, और हमें ऑफसेट एड्रेस जो मिला वो भी 1000 मिला हुआ है। ठीक, तो अगर ये डेटा 8 बिट का है और हमारे पास 1000 लिमिट है और हमने 1000 ही ऑफसेट एड्रेस दिया हुआ, इसका मतलब लास्ट पॉइंट से वो डेटा उठाएगा वहां से। ठीक है, कोई बात नहीं, 8 बिट का डेटा है, लास्ट लोकेशन में हमारे पास 8 बिट का डेटा होगा। हर लोकेशन में कितने बिट का डेटा होता है? ईच मेमोरी लोकेशन कंटेन्स 1 बाइट, है ना, ये याद रखने की चीज है, यूनिवर्सल एकदम, पूरे सब्जेक्ट में काम आएगा, पूरे सब्जेक्ट के हर जगह आज भी जितनी मेमोरी बनती है वो इसी रूल को फॉलो करती है। एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा होगा, यानी 8 बिट का डेटा होगा, 1 बाइट यानी 8 बिट का डेटा होगा एक मेमोरी लोकेशन। तो अगर हमने बिल्कुल लिमिट के इक्वल अगर हमने ऑफसेट एड्रेस दे रखा है, तो अगर हमारा 8 बिट का डेटा है तब तो क्लियर है, लास्ट वाले लोकेशन में 8 बिट का डेटा होगा, वहां से वो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये डेटा 16 बिट का हुआ तो आपने कहा भाई अच्छा 8 बिट तो ऐसे, बाकी 8 बिट कहां से लेंगे, तो एरर आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारे पास लिमिट चेक में भी तीन चीज हम लोग चेक करेंगे। अगर 8 बिट का हमारे पास ऑपरेंड, ठीक है, तो हमें ऑपरेंड चाहिए 8 बिट का है, तो ऑफसेट एड्रेस जो है वो लिमिट के बराबर या इक्वल होना चाहिए, चलेगा, अगर इक्वल भी तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो 16 बिट का है तो वो लिमिट -1 के इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, है ना, या तो उसके सॉरी बराबर कह रहा था मैं यहाँ पे, इक्वल या लेस देन होना चाहिए ना। ऐसे यहाँ पे हमारा इक्वल या लेस देन होना चाहिए लिमिट -1। ठीक है, अगर हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है और 16 बिट का डेटा चाहिए तो उससे -1 तक होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 यानी कि अब दो हमारे पास लोकेशन है ऐसी जहां से हम लोग 16 बिट का डेटा दे सकते हैं, क्योंकि 16 बिट का डेटा दो लोकेशन से आएगा और 32 बिट का डेटा कितने लोकेशन से आएगा, हाँ 4 लोकेशन से आएगा। सही है ना, तो अगर 32 बिट का ऑपरेंड है हमारे पास तो उसकी जो लिमिट हो, मतलब मैक्सिमम ऑफसेट एड्रेस होगा वो लिमिट -3 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि अब लिमिट जो है उसमें 1 2 3 लिमिट 1 2 3 ये चार जो लोकेशन है मैक्सिमम हम लोग यहां से ज्यादा हम लोग यहां से डेटा दे सकते हैं 32 बिट का, उससे ज्यादा हम लोग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिमिट चेक करेंगे, मतलब हम लोग क्या माइक्रोप्रोसेसर चेक करता है कि आपने जो लिमिट दी है वो इस रेंज में है या नहीं है स्पेसिफिक ऑपरेंड के लिए, अगर नहीं है तो फिर ये एरर दे देगा, एक्सेप्शन वहां पे क्रिएट हो जाए। ठीक है, डिस्क्रिप्टर हमारे साथ लिमिट चेक में क्या है, डिस्क्रिप्टर टारगेट सेगमेंट है लिमिट फील्ड, हमारे पास लिमिट फील्ड थी डिस्क्रिप्टर में, लिमिट फील्ड डिस्क्रिप्टर में लिमिट कितने बिट की थी याद है किसी को? नहीं, डिस्क्रिप्टर में लिमिट हमारी कितने बिट की थी? 20 बिट की लिमिट थी। चलो एक काम करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्टर देखो तो मैं बना के दिखा देता, इससे कि तुम लोग को भी आसानी है या याद हो कैसे ड्रॉ करना है डिस्क्रिप्टर, ये याद रखना, एग्जाम में आएगा मोस्ट प्रोबेबली आना ही चाहिए सेगमेंट डिस्क्रिप्टर ड्रॉ करने के लिए, उसकी बिट एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिप्टर हम लोगों को ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का एक रेक्टेंगल ले लो, यार मेरी तो ड्रॉइंग बहुत ही खराब लग रही है, तो यहाँ से अगर जाएंगे तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ऐसे आएगा और यहाँ से आप इसको ऐसे ले लीजिए और ये बन गया आपका डिस्क्रिप्टर। ठीक है, ये नहीं बना, आप इसको हमें बना लें, इस रेक्टेंगल को आप ऐसे दो पार्ट में ऐसे बांट, सही है। उसके बाद डिस्क्रिप्टर हमारा कितने बिट का था ये तो याद है ना तुम लोग को, डिस्क्रिप्टर था हमारा 64 बिट का, है ना, तो 64 बिट का हमारे पास डिस्क्रिप्टर था, तो हम क्या करेंगे 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 31 हो जाएगा और ये 32 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा कहाँ, 64 तक नहीं जाएगा, 63 तक जाएगा, है ना, 64 मत लिखना गलती से, यहाँ पे 0 से 32 नहीं लिखना, 31 लिखना है और नीचे 32 से 63 तक जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर उसको बीच में से दो कर लेंगे इसके, तो हमारे पास हो गए चार पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टर। ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से चलें तो ये हमारी लिमिट होगी। ठीक है, तो ये अब चार पार्ट हो गए 64 के, तो 16 चौका 64 होता है, हर पार्ट हमारा 16 बिट का है, तो लिमिट है हमारे पास यहाँ पे 0 से लेके 16 तक लिमिट के बिट होंगे हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बेस एड्रेस, तो 0 से लेके 15 तक ये बेस एड्रेस होगा, ये भी 15 होगा, 16 नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 0 को भी हम लोग काउंट करें, तो 16 बिट हमारे पास यहाँ होगी, बेस एड्रेस के बाकी 4 बिट्स हमारे पास यहाँ होंगे, बेस एड्रेस और सॉरी 8 बिट होंगे वहां पे, और ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास होगा बेस
ठीक है। तो देखो यहां से 0 से लेके 31 की तरफ जाए, फिर 32 से स्टार्ट करेंगे, तो बेस के अब कितना 16 से लेके 23 तो हमारा 8 बिट होगा वो यहां पर होगा। उसके बाद फिर बाकी के जो 8 बिट बचे वो 24 से लेकर के 31 तक वो हमारे पास यहां होंगे, क्योंकि बेस एड्रेस हमारा कितने बिट का होगा 32 बिट का, है ना। बेस एड्रेस 32 बिट का था, लिमिट हमारे पास 20 बिट की थी। तो अब जो लिमिट के लिए बाकी 4 बिट बचे, यहां 16 आ गई, बाकी की जो 4 बिट बची वो हमारे पास यहां पर होंगे लिमिट के लिए, तो वो होगा हमारा 16 से लेके 19 तक। ठीक है, 0 से लेके 15 तक क्या हो गया, 16 से लेके 19 तक क्या होगा। देखो मैं बिल्कुल ऐसे ही बना रहा हूं, ऐसे ही तुम लोग भी बना रहे, आसान है। बेस एड्रेस हमारा एक तो यहाँ ऊपर है, एक इस कोने में, एक इस कोने में। लिमिट हमारी यहाँ पर है 16 बिट की, और इस वाले जो ये वाले 16 बिट है इसके नीचे 4 बिट यहाँ पर है। अब बचे इस वाले पोर्शन में कितने बिट बचे हमारे पास, इस वाले पोर्शन में बचे 4 बिट, क्योंकि 8 बिट ये हो गए, 8 बिट ये हो गए, 12 हो गया, 4 बिट बचे, टोटल 16 बिट है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो फिर हमारे पास थी यहाँ पे ग्रेनुलरिटी बिट, याद है ग्रेनुलरिटी बिट बताती थी कि जो हमारा सेगमेंट है वो पेज पेज ग्रेनुलर है या बाइट ग्रेनुलर है ना। फिर हमारे पास एक डी बिट थी जो डिफॉल्ट सेगमेंट बताती थी कि हमारा जो डिफॉल्ट सेगमेंट है ये 16 बिट का ऑपरेंड है या फिर 32 बिट का ऑपरेंड है। इसका मतलब ये है कि 8086 का सेगमेंट है, 8036 का सेगमेंट है, सही है। उसके बाद यहाँ पे दो बिट थी हमारे पास, एक तो जीरो लेती थी, एक अवेलेबल टू प्रोग्रामर थी। या आप चाहे इसको अवेलेबल टू प्रोग्रामर करिए या इसको जीरो भी कर देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों बिट को आप जीरो रख सकते हैं, ठीक है। ये बन गया। अब हमारी बची यहाँ पे एक्सेस बिट्स होती है, तो एक्सेस बिट में सबसे पहले हमारे पास थी पी बिट कि हमारा ये सेगमेंट मेमोरी में प्रेजेंट भी है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास पी बिट थी। उसके बाद था हमारे पास डीपीएल जो डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल की दो बिट थी यहाँ पे, इसलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ कि दो बिट हमारे पास डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल की थी। उसके बाद एक हमारे पास एस बिट थी, ठीक है। एस बिट में हमारे पास क्या था, एस बिट में ये बताता है सिस्टम सेगमेंट है या फिर नॉर्मल सेगमेंट है ना। पी डीपीएल एस, चार बिट हो गए हमारी। अगर ये एस हमारा जीरो है इसका मतलब सिस्टम सेगमेंट है, और अगर ये S1 है इसका मतलब यूजर सेगमेंट, यूजर सेगमेंट कोड डेटा स्टैक ये सब होगा, और सिस्टम सेगमेंट का मतलब है ये गेट का डिस्क्रिप्टर हो सकता है, कॉल गेट का, इंटरप्ट गेट का, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको समझने की कोई वजह नहीं, तुम सिर्फ ये लिखना कि S अगर 0 है इसका मतलब ये सिस्टम सेगमेंट है, अगर 1 है तो यूजर सेगमेंट, बस इतना ही लिखना होगा। एग्जाम में देखो अगर अगर एग्जाम में सिस्टम डिस्क्रिप्टर आता है थर्ड यूनिट में तो ऐसा डिस्क्रिप्टर हमें ड्रॉ करना, क्योंकि अभी इस वाली यूनिट में थोड़ा डिस्क्रिप्टर चेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीन बिट हमारे पास हम लोग लिखेंगे टाइप वाली बिट, बस इसमें ऐसे टाइप लिख देना, ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टाइप में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक एक्सेस बिट थी जो ये बताती है कि इसको बहुत देर से एक्सेस किया गया नहीं किया गया, जीरो इसका मतलब बहुत देर से इसको एक्सेस नहीं किया गया इस सेगमेंट को, इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, और अगर वन है इसका मतलब इसको रिसेंटली एक्सेस किया गया था और हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये ऐसे डिस्क्रिप्टर बनाना आसान है ना बनाना, देखो पहले एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाना है, उसके चार खाने कर देने, 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे, ऊपर एक तरफ बेस होगा, दूसरी तरफ लिमिट होगी, इस बेस वाले के नीचे इस तरफ बेस होगा और इस लिमिट के नीचे इस तरफ बेस होगा, ठीक है। चार तीन कोनों में बेस होगा, इधर 8 बिट, इधर 8 बिट, ऊपर 16 बिट, सही है। पहले ऊपर वाली 16 बिट, फिर इधर नीचे से इधर वाली 8 बिट, फिर लास्ट में इधर वाली 8 बिट, ठीक है। 0 से 15, 16 से 23, 24 से 31, सही है। उसके बाद लिमिट यहाँ 16 हो ही गई थी, फिर ये जो बेस वाला था इसके नीचे एक और बेस था, उसके नीचे इधर की साइड में 4 बिट हमारे पास लिमिट क्यों, और इन दोनों के बीच में 4 बिट होंगी हमारे पास, इसमें 2 जीरो रखनी है, एक ग्रेनुलरिटी बिट होगी, एक हमारे पास डिफॉल्ट वाली बिट होगी। डिफॉल्ट सेगमेंट कौन सा है कि अगर ये 0 है तो इसका मतलब 16 बिट का है, 1 है तो इसका मतलब 32 बिट के ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। फिर अब ये जो हमारी 8 बिट बची है हमारी एक्सेस बिट्स है, इन एक्सेस बिट में से पहला हमारा पी, फिर 2 डीपीएल, फिर एक एस, 4 हो गई, फिर उसके बाद 3 टाइप चेक वाली बिट होगी और एक हमारे पास एक्सेस बिट होगी, ठीक है। चलो तो ये डिस्क्रिप्टर था, ये बताया था कि लिमिट चेक में, तो लिमिट हमारे पास 20 बिट की थी वहां, है ना। तो हम जो ये लिमिट चेक करेंगे इसमें, ये भी हम लोग उसी के हिसाब से चेक करेंगे कि अगर अगर जो हमारे पास लिमिट है वो 8 बिट का है तो सेम लिमिट होना चाहिए 16 बिट का, और ये वाली जो लिमिट है ये हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि हम देखेंगे कि ग्रेनुलरिटी बिट 1 है या 0 है। अगर 1 है इसका मतलब फ्रेज ग्रेनुलर है, तो लिमिट में हम 4k का मल्टीप्लाई करेंगे तब उस लिमिट को यहाँ पे चेक करेंगे, और अगर हमारा वो जो ग्रेनुलरिटी बिट है वो 0 है इसका मतलब हमारा जो पेज है, हमारा जो सेगमेंट है वो बाइट ग्रेनुलर है, फिर वही जो लिमिट होगी 20 बिट वाली वही लिमिट हमें यहाँ पे रखनी है और उसको चेक करना है कि जो हमारा ऑफसेट है इससे छोटा है या बड़ा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, लिमिट चेक कैसे करना है, हम लोग लिमिट चेक करना है कि जो ऑफसेट हम लोगों ने दिया है वो उस पेज में है भी या नहीं, मतलब उस सेगमेंट में है भी या नहीं, आप बाहर तो नहीं जा रहे, ठीक है। लिमिट विल आल्सो हेल्प डिपेंड ऑन ग्रेनुलरिटी बिट इन सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, ठीक है। ग्रेनुलरिटी बिट जो है उस पर भी लिमिट डिपेंड करेगी कैसा, तो लिमिट चेक समझ में। अभी हमने कोई चेक नहीं किया, सिर्फ लिमिट चेक किया, ना टाइप हमने चेक किया ना प्रिविलेज चेक किया। अगर लिमिट हमारी फेल होगी तो आगे चेक करने की जरूरत है। फिर आता है हमारा टाइप चेक। टाइप चेक में हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है जो एक्सेस करना चाह रहा है सेगमेंट,
वो सेगमेंट वैसा है कि एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टर हमारे पास होता है कॉपीड फ्रॉम द डिस्क्रिप्टर टेबल एंड लोडेड टू डिस्क्रिप्टर कैच। कोई भी अगर हमें हर सेगमेंट का क्या होता है, हर सेगमेंट का एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है। उस सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में उसका उसकी टाइप वाली बिट थी, अभी मैंने बताया था टाइप वाली 3 बिट थी हमारे पास। वो टाइप वाली जो 3 बिट है वो ये बताता है कि हमारा जो सेगमेंट है वो कैसा है, कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट। उस टाइप वाली बिट से हमें पता चलता है कि कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है या स्टैक सेगमेंट है। दैट इज कंपेयर टू टाइप ऑफ सेगमेंट रेसर इनटू व्हिच द सिलेक्टर बीइंग लोडेड। तो हम लोग जो दे रहे थे सिलेक्टर वो कैसे दे रहे थे, हम लोग 48 बिट का जो एड्रेस दे रहे थे वर्चुअल एड्रेस वो कैसे दे रहे थे, एक तो हम लोग दे रहे थे ऑफसेट एड्रेस जो इंस्ट्रक्शन में रखे दे रहे थे। हमारे पास टोटल उसके बाद 17 ऑपरेटिंग मोड थे, 11 ऑपरेटिंग मोड थे मेरे ख्याल से, 11 ऑपरेटिंग मोड थे हमारे पास उसके लिए, ठीक है। तो 11 और प्लस 2 13, तो या तो ऑपरेटिंग मोड्स के थ्रू दे रहे थे या सीधे इंस्ट्रक्शन में रख के हम लोग दे रहे थे, एड्रेसिंग मोड के थ्रू दे रहे थे या सीधे इंस्ट्रक्शन में रख के दे रहे थे ऑफसेट एड्रेस। और जो सेलेक्टर था वो कहां से देते थे हम लोग, वो अपने सेगमेंट रजिस्टर में रख के देते थे कि वो कोड सेगमेंट है या डेटा सेगमेंट। जब हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोग्राम को तो डिफाइन करते हैं कि डेटा सेगमेंट कहां पर है, कोड सेगमेंट कहां पर है ना। तो डेटा सेगमेंट उठाएगा और कोड सेगमेंट कोड जो है वो कोड सेगमेंट उठाएगा। तो हम जो डिस्क्रिप्टर हम जो ऑफसेट एड्रेस दे रहे हैं उसमें हम सेलेक्टर दे रहे हैं, सेलेक्टर में हम बता रहे हैं कि कोड सेगमेंट है डेटा सेगमेंट। तो उससे मैच करेगा जो हमारा डिस्क्रिप्टर है उसमें टाइप जो होता है टाइप वाली जो बिट है उससे मैच करेगा कि हमारा जो डिस्क्रिप्टर है वो भी उसी सेगमेंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दे तो रहे ऑफसेट एड्रेस डेटा सेगमेंट का, डेटा सेगमेंट पे रख के दे रहे सेलेक्टर वाली बिट, और यहाँ जो ये सेगमेंट है वो कोड सेगमेंट का, तो वहीं पे फौरन मना कर देगा कि ये आप इसके आप जो चाह रहे हैं वो यहाँ पर है नहीं, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आई बात। तो यहाँ हमने क्या चेक किया, लिमिट चेक की नहीं, प्रिविलेज चेक की नहीं, सिर्फ हमने टाइप चेक किया कि जो टाइप जिस टाइप का डेटा वो चाह रहा है लेना वो टाइप हमारे पास है यहाँ पे या नहीं, ये सेगमेंट किसी और टाइप का तो नहीं है, अगर किसी और टाइप का तो फिर उसको एक्सेस नहीं करने देना, सही है। एक्सेस ओनली ग्रांटेड इफ टाइप मैचेस, इफ नॉट जनरल इंटरप्ट प्रोटेक्शन फॉल्ट, ये ऑकर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़े, इसके अलावा और कोई चीज है इसमें, चेक टू स्टिक रीड एंड राइट एक्सेस टू अ सेगमेंट, जो हमारे पास टाइप चेक बिट थी उसमें हम लोग के पास ये भी होता है कि अगर डेटा भी है और डेटा सेगमेंट भी है और उसमें भी अगर वो राइटेबल नहीं है, ठीक है, और हम उसमें कुछ राइट करना चाह रहे हैं तो भी वो एक्सेस नहीं देगा, सही है। चलो, इफ द डिस्क्रिप्टर इंडिकेट दैट द कोड सेगमेंट इज नॉट रीडेबल और डेटा सेगमेंट इज रीडेबल बट नॉट राइटेबल, देन एन अटेम्प्ट टू वॉयड दिस रूल विल आल्सो लीड टू अ प्रोटेक्शन। कोड सेगमेंट कैसा होता है, कोड सेगमेंट में दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो सिर्फ एग्जीक्यूटेबल होगा या एग्जीक्यूटेबल और रीडेबल होगा, ठीक है। और डेटा सेगमेंट में दो ऑप्शन थे, या तो सिर्फ रीडेबल होगा या रीडेबल और राइटेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो बात करते हैं लिमिट चेक की, वो यहाँ से देखो, ये टाइप चेक बिट हमारे पास ये, ठीक है, ये टोटल सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है। अगर मैंने बताया था इसे थर्ड यूनिट में, अगर हम लोग के पास हम लोग को पूछा जाता है अगर सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, तो वही वाला बनाना है जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये वाला सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, ठीक है। और अगर फोर्थ यूनिट में पूछा जाए टाइप चेक वाले बिट, तब आप यहाँ पे बता सकते हैं, ये और भी ज्यादा आसान है एक्सेस राइट बिट्स में, फिर ये टेबल बना दो अगर ड्रॉ करने को आता है तो, वैसे आएगा नहीं एग्जाम में ड्रॉ करने को, लेकिन ये वाली बिट्स आपको पता होनी चाहिए यहाँ के, ठीक है। यहाँ के लिए हमें ये वाली बिट पता होनी चाहिए कि यहाँ से हमारे पास जो 8 बिट है और यहाँ से अगर हम 0 से चले और यहाँ पे 7 होगा, तो 0 वाली बिट जो हमारी एक्सेस बिट होगी, जो ये बताएगी कि इसको रिसेंटली एक्सेस किया गया था या नहीं किया गया था। फिर हमारे पास ये 3 बिट है, 1, 2, 3, तो 1 हमारी रीडेबल, कन्फर्मिंग और एग्जीक्यूटेबल। अगर ये कोड सेगमेंट है तो एग्जीक्यूटेबल हमारा 1 होगा, इसका मतलब है कोड सेगमेंट। फिर कन्फर्मिंग कोड सेगमेंट सी इक्वल टू 1 अगर है, इसका मतलब जो बाहर की प्रिविलेज लेवल वाले भी हैं वो भी इस वाले कोड सेगमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक प्रोग्राम जो 3 प्रिविलेज लेवल पे काम कर रहा है और ये कंफर्मिंग कोड सेगमेंट इसका प्रिविलेज लेवल 0 है, तो 3 वाला भी 0 वाले को एक्सेस कर सकता है अगर ये वाली बिट इसकी 1 है तो, सी बिट अगर इसकी 1 है तो, ठीक है। उसके बाद रीडेबल, अगर r इक्वल्स टू 0 इसका मतलब कोड को हम लोग रीड नहीं कर सकते, सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते, और r इक्वल्स टू 1 इसका मतलब कोड हमारा एग्जीक्यूटेबल भी और रीडेबल भी, ठीक है। अगर ये चीज हमारे पास, अगर एक कोड सेगमेंट नहीं तो दोनों में से एक चीज हो गया, डेटा सेगमेंट होगा स्टैक सेगमेंट, तो ई हमारा 0 हो जाएगा, ई मतलब एग्जीक्यूटेबल सेगमेंट नहीं, यानी कोड सेगमेंट नहीं। फिर हमारे पास ये वाली जो बिट है ईडी, फिर जहां तो सीधा अब हमारी चेंज हो जाएगी, इसको हम कहेंगे ईडी बिट। अगर ईडी बिट हमारी 0 है इसका मतलब एक्सपेंशन डाउन, यानी कि ये जो है ईडी 0 है इसका मतलब ये स्टैक सेगमेंट नहीं है, ठीक है, एक्सटेंड, ये एक्सटेंड अप वाला है। और अगर ईडी इक्वल्स टू एक्सपेंड डाउन 1 है इसका मतलब ये स्टैक सेगमेंट है। अब जो हमारी लिमिट है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, जो हमारा ऑफसेट है वो लिमिट से ज्यादा होना चाहिए हमारी, ठीक है। अगर ये एक्सपेंड डाउन 0 है, मतलब नॉर्मल हमारा डेटा सेगमेंट है, तब तो हम लोग देखेंगे लिमिट्स के अंदर अंदर होना चाहिए हमारे पास। और अगर हमारा स्टैक सेगमेंट हो, स्नेक कैसे चल रहा था, स्नेक जो था हमारा ऊपर की तरफ चल रहा, डेटा हमारा नीचे की तरफ चल रहा, तो स्नेक ऑटो डिक्रीमेंट मोड में चलता है, वापस की तरफ जा रहा होगा, तो ऑटो डिक्रीमेंट मोड की वजह से उसकी लिमिट जो हम ऑफसेट दे रहे हैं वो हमेशा लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि हम लोग उसको वहां पर डेटा को सेव कर सके, ठीक है। W = 0
अब ये डेटा सेगमेंट के लिए, अगर ईडी हमारा जीरो है फिर हम लोग डब्ल्यू को चेक करेंगे कि जो डेटा सेगमेंट है वो राइटेबल भी है या नहीं या सिर्फ रीडेबल है। अगर डब्ल्यू जीरो इसका मतलब डेटा सेगमेंट सिर्फ रीडेबल है, डब्ल्यू वन इसका मतलब राइटेबल भी है साथ। ठीक है, ये था हमारा टाइप चेक, टाइप चेक बिट ये वाली तीन है, इन तीन को हम लोग को याद रखें। ठीक, फिर आता हमारा प्रिविलेज चेक। प्रिविलेज चेक जो है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। 20 मिनट हो गए, सॉरी वो कैसे कंप्लीट करूंगा मैं इसको। तो प्रिविलेज चेक में हम लोग चेक करते हैं कि जो प्रोग्राम इसको एक्सेस करना चाह रहा है हमारे सेगमेंट को, वो उसको उसके पास वो प्रिविलेज है इसको चेक करने के लिए। हमने बताया था कि हमारे पास रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल होता है और यहाँ पे डिस्क्रिप्टर में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव प्रिविलेज लेवल होता है। ये देखो आरपीएल है हमारे पास, ये आरपीएल रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल जो हम लोग देते हैं सेलेक्टर में। हमने सेलेक्टर 16 बिट का था, उसमें से 2 बिट हमारी रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल आरपीएल की थी हमारी। ठीक है, फिर हमारे पास डीपीएल था, जो सेगमेंट जिस सेगमेंट को हमें एक्सेस करना है उसके सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में उसकी डिस्क्रिप्टिव प्रिविलेज लेवल होता है कि इसको आप एक्सेस कर सकते हैं नहीं, उसको ये मैच कराएगा। फिर होता है हमारे पास सीपीएल, सीपीएल का मतलब है पोर्ट प्रिविलेज लेवल। देखो हम जो ये सिलेक्टर दे रहे हैं, हम जो वर्चुअल एड्रेस दे रहे हैं, ये हम थोड़ी दे रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर को, हमने अपने हाथ में रख के ऐसे थोड़ी दिया है कि लो भैया माइक्रो कंट्रोलर ये लो हमारा वर्चुअल एड्रेस अब इसको कन्वर्ट करके दे दो। हमने कैसे दिया है, हमने इसको प्रोग्राम में दिया है ना, हमने एक कोड लिखा है, उस कोड में हमने ये वर्चुअल एड्रेस पुट किया है। तो जब वो कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो कोड क्या है, वो भी तो एक सेगमेंट है ना। जो कोड हमने लिखा हम फाइल में तो लिखते हैं, और फाइल क्या होती है, सेगमेंट ही तो होता है वो भी, तो वो कोड सेगमेंट है। तो वो जो एक कोड सेगमेंट है, तो हर सेगमेंट का एक क्या होता है, हर सेगमेंट का एक क्या होता है, हर सेगमेंट का एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है। सही, तो वो जो कोड है जिसमें हमने ये एड्रेस दिया है, उस कोड का भी एक डिस्क्रिप्टर होगा। सही, और उस डिस्क्रिप्टर में इस कोड सेगमेंट का प्रिविलेज लेवल होगा। समझ आई बात, उस डिस्क्रिप्टर में इस कोड का प्रिविलेज लेवल होगा। वरना आप तो बहुत स्मार्ट है, आप कह रहे हैं मुझे ऑफसेट एड्रेस देना, मैं क्यों दूं, मैं क्यों बताऊं कि मैं थर्ड प्रिविलेज लेवल पर हूं, मैं तो रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल बिट को 0-0 कर देता हूं, जिससे कि मतलब लोगों को ये लगे कि मैं 0 प्रिविलेज लेवल पर हूं, जिससे मुझे कोई रोके टोके नहीं। वैसे भी लड़कों का मिजाज होता है कि हम जाएं हमें कोई कुछ ना कहे, हम सबसे आगे निकल जाएं, हम जहां चाहें वहां जाएं, कोई रोके टोकने वाला ना हो, है ना। तो आदमी यही चाहता है कि मैं हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल पर रहूं। अभी केस भी हो गया था, कश्मीर वाला सुना होगा आप लोगों ने, कि एक आदमी सीएमओ का आदमी बन के कश्मीर में पहुंचा हुआ था और 4-5 गार्ड उसके साथ घूम रहे थे। देखा वीडियो डाला था उसने ट्विटर पे, तो फिर खैर बाद में उसको उसने बहुत डांटा पुलिस को वहां पे कि मैं पीएमओ का आदमी, तुम मेरी सही से ख्याल नहीं रख रहे। फिर पुलिस ने पता वता लगाया कि भाई ये तो कोई आदमी नहीं है, फिर पुलिस ने उसकी बहुत खातिरदारी की। ठीक है, तो प्रिविलेज लेवल बढ़ाने के चक्कर में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे ही हो सकता है। आप बहुत स्मार्ट बन रहे हो, आप ये कहेंगे नहीं भाई आरपीएल की बट आपने 0-0 कर दी। तो कंप्यूटर लेकिन बेवकूफ नहीं, कंप्यूटर जम्मू कश्मीर की पुलिस नहीं, माइक्रोप्रोसेसर हमारा, सही है, तो उसको बेवकूफ बनाना आसान नहीं। तो वो क्या करता है, वो पहले कोड प्रिविलेज लेवल चेक करता है कि जो प्रोग्राम इस जो प्रोग्राम रन हो रहा है जिसमें ये ऑफसेट एड्रेस और सेलेक्टर मुझे मिल रहा है, उस प्रोग्राम का प्रिविलेज लेवल क्या है। ठीक है, फिर ये चेक करेगा कि आपने जो प्रिविलेज लेवल दिए वो क्या, अगर आपने प्रिविलेज लेवल जो दिए वो ज्यादा है, यानी कि न्यूमेरिकली कम, कि जो पीएल 0 होता है वो हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल, मान लीजिए सीपीएल है 3 पे और आपने इसको दिया है 1, तो ये 3 वाले को कंसीडर करेगा। समझ आई बात, ये दोनों को चेक करेगा और जो कम होगा उसको कंसीडर करेगा और उसकी वैल्यू पुट करेगा इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल। इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल। तो इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल जो है वो इन दोनों में से मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो लो प्रिविलेज लेवल होता है, कम प्रिविलेज लेवल, वो नंबर में मैक्सिमम होता है। यानी सबसे कम प्रिविलेज लेवल किसका होता है, 3 का होता है, और सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल किसका होता है, 0 का होता है। सही है, तो ये चेक करेगा कि दोनों में से न्यूमेरिकली हायर कौन सा है, आरपीएल और सीपीएल में से। तो जो भी हायर होगा ये उसको कंसिडर करेगा, जो भी हायर होगा ऐसा, मान लो कोड प्रिविलेज लेवल है 2 पे, ठीक है, सीपीएल 2 है और आपने भी आरपीएल भी 2 ही दिया है, तो ऑब्वियसली आप ऑनेस्ट इंसान है, आप ऐसा ही करते हैं, सबसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आप लोग तो सच ही बोलते हैं सब। उसके बाद नहीं सीरियसली मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट से। तो उसके बाद ये कि अगर आपने आपका कोड प्रिविलेज लेवल 2 है लेकिन आप रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल 3 दे रहे हैं, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर को कौन सा कंसिडर करना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए 3 वाला। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि आप इतने भी बेवकूफ नहीं, अगर आप 3 दे रहे हो इसका मतलब कोई रीजन होगा 3 देने, है ना, वरना आप अपना लेवल क्यों डाउन करेंगे। उसकी वजह होती है कभी कभी, है ना, हम बहुत सेंसिटिव प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, और हमारा प्रिविलेज लेवल ज्यादा है, 1 है या 0 है या 2 है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस प्रोग्राम को यूज करके कोई और इसका जो है मिसयूज कर ले। तो हम क्या करते हैं, उसमें उस प्रोग्राम में अपना जो हम सेलेक्टर देते हैं उसका रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल लोग डाउन कर देते हैं, हमने इसको 3 पे रख लिया, ठीक है। तो अब कोई इसका यूज करके भी 2 प्रिविलेज लेवल और 1 प्रिविलेज लेवल के और प्रोग्राम को या और डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता, सही। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने इसको 3 पे रखते हैं कि हमें इसको ये प्रोग्राम यूजर्स के लिए यूज होना है, भले ही मैं बना रहा हूँ, मेरा रिक्वेस्ट मेरा प्रिविलेज लेवल ज्यादा है, 0 है, 1 है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को यूज बना रहा हूँ वो डेटा
सेगमेंट के लिए, मतलब यूजर का जो प्रिविलेज लेवल है उसके लिए बना रहा है ना, यूजर डेटा के लिए। तो मैं क्या करूंगा वहां पर रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल मैं वहां 3 रखूंगा, जिससे कि कोई और भी इसका यूज करके अंदर वाले जो प्रोग्राम है उनको उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर। सही है। तो ये हमारा मैके प्रोसेसर क्या करेगा, ईपीएल ये लेता है, तो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, अगर हमने आरपीएल 3 दिया है और सीपीएल हमारा 1 है, तब भी ये 3 कंसीडर करेगा अपना प्रेफरेंस लेवल। और अगर सीपीएल 2 है और आरपीएल हमने 1 दे दिया स्मार्ट बनने के लिए, तो भी जो है ये 2 ही उसको कंसीडर करेगा इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं इसको इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल। कभी कभी सिर्फ इन्हीं की डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम, रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल जो हम लोग सेलेक्टर में दे रहे थे, डिस्क्रिप्टिव प्रिविलेज लेवल जो हमारे पास सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में था, करंट प्रिविलेज लेवल जो हमारा कोड रन कर रहा है ये उसके डिस्क्रिप्टर का प्रिविलेज लेवल है, जिस कोड सेगमेंट जो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है उसका प्रिविलेज लेवल है। और इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल ये आरपीएल और सीपीएल दोनों में से जो भी कम होगा, न्यूमेरिकली जो भी हायर होगा और हायरिकली जो भी कम होगा उसको ये अपने अंदर स्टोर करता है ईपीएल। ठीक है, तो ये था हमारा क्या प्रिविलेज चेक, तो इसको प्रिविलेज चेक करता है। ये सारे अभी सेगमेंटेशन का पार्ट चल रहा है, पेजिंग का भी नहीं है। ठीक है, पेज प्रोटेक्शन अभी ये सेगमेंट प्रोटेक्शन थ्रू सेगमेंटेशन कह सकते हैं इसको आप, उसमें जो चीजें ये यहाँ पे आ गया क्योंकि पेजिंग उसके बाद आती है। फिर हमारे पास आता है पेज लेवल प्रोटेक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आया सेगमेंट में, एक तो हमारे पास लिमिट चेक है, पहले लिमिट चेक होगी, फिर टाइप चेक होगा क्या आप जो एक्सेस करना चाह रहे हैं सेगमेंट उस टाइप का है या नहीं है, फिर उसके बाद प्रिविलेज चेक होगी कि जो प्रिविलेज आपके पास है उस सेगमेंट को एक्सेस करने की या नहीं, उसके बाद आता है फिर पेज लेवल प्रोटेक्शन। पेज लेवल प्रोटेक्शन में हमने पेज डायरेक्टरी एंट्री दी एक हमारे पास और एक पेज टेबल एंट्री दी, याद है पीडी पीटी, अगर नहीं याद है तो जाके वो वाला लेक्चर देखो, इससे पिछले वाला लेक्चर सही है, पेज टेबल जिसमें मैंने पेजिंग समझाई, तो पेजिंग वाला जो लेक्चर है उसको जाके देखो, उसमें पीजी पीडी और पीटी, पेज टेबल एंट्री और पेज डायरेक्टरी एंट्री, वो दोनों हमने वहां पर डिस्कस किया। ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो बिट थे, एक तो था यूजर सुपरवाइजर लेवल और एक था हमारे पास आरडब्ल्यू बिट, दोनों में उसमें भी पीडी में भी हमारे पास ये वाली बिट भी थी और ये वाली बिट भी थी और पीटीई में भी दोनों बिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो प्रिविलेज चेक चेक है और दूसरा टाइप चेक पेज लेवल प्रोटेक्शन, यहाँ पे लिमिट चेक नहीं क्योंकि लिमिट तो हर पेज की हमारे पास 4K है ही है और हमारे पास वहां पे जो ऑफसेट एड्रेस है वो भी 12 बिट है, तो वो 4K से ज्यादा कभी हो भी नहीं सकता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट का प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो चीजें हमारे पास प्रिविलेज चेक और टाइप चेक। सही है, तो प्रिविलेज चेक में हम लोग क्या चेक करेंगे, प्रिविलेज चेक में हम लोग ये चेक करेंगे कि यूजर का मतलब जो हमारा पेज है उसका लेवल क्या है। ठीक है, तो अगर हमारे पास उसका लेवल 0, अच्छा सुपरवाइजर और यूजर लेवल क्या होता, तब भी मैंने बताया कि देखो जो हमारा कोड सेगमेंट इस वक्त रन कर रहा है अगर उसका ईपीएल जो है कोड सेगमेंट का या ईपीएल कह लीजिए, अब तुम लोग इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल की बात कर रहे थे ना, ये तो हमारा ईपीएल, अगर ईपीएल जो है वो 012 है इसका मतलब ये सुपरवाइजर वाला कोड है। ठीक है, और अगर उसका लेवल 3 है इसका मतलब ये यूजर कोड। ठीक है, समझ में आया, अगर वो थर्ड प्रिविलेज लेवल पे काम कर रहा है हमारा कोड इसका मतलब ये यूजर प्रोग्राम है। ठीक है, और अगर वो थर्ड प्रिविलेज लेवल से ऊपर की तरफ है, 0 है 1 है 2 है, इसका मतलब ये सुपरवाइजर प्रोग्राम है ना, जैसे हमारे पास कंप्यूटर में एक्सेस होता है एक नॉर्मल यूजर का अकाउंट होता है और एक एडमिन का अकाउंट होता है ना, एडमिन वाला अकाउंट यूजर वाले अकाउंट को के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है, उसकी फाइल्स भी एक्सेस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यूजर वाला अकाउंट एडमिन वाले अकाउंट के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। सही है, समझ में आई बात, तो सेम प्रोसेस है हमारे पास यहाँ पे, एक हमारे पास सुपरवाइजर लेवल है एक यूजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल समझ में आया, सुपरवाइजर लेवल ये है हमारा पेज का, यहाँ पे पेज के लिए हमारे पास दो लेवल है, या तो पेज हमारा सुपरवाइजर लेवल पे होगा या यूजर लेवल। ठीक है, तो अगर सुपरवाइजर लेवल के पेज को एक्सेस करना है तो हमारा जो प्रिविलेज है वो 012 में से कोई एक चीज होना चाहिए। ठीक है, 3 होगा तो ये सुपरवाइजर लेवल वाले पेज को एक्सेस नहीं कर सकता, अगर पेज का एक्सेस यूजर लेवल पे है यानी कि 1 है एक बिट और यूजर लेवल वाला पेज है, तो अगर हमारा एक्सेस मतलब हमारी प्रिविलेज अगर 3 भी होगी तो भी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। समझ आई बात, यहाँ पे देखो लेगा, व्हेन द प्रोसेसर ऑपरेटिंग एट सुपरवाइजर लेवल ऑल पेजेस आर एड्रेसेबल बट व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड एट यूजर लेवल ओनली पेजेस बिलोंगिंग टू यूजर लेवल आर एड्रेसेबल। ठीक है, सिर्फ यूजर लेवल वाले पेज को फिर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, सुपरवाइजर वाले को नहीं कर सकते, सेम एडमिन और नॉर्मल यूजर वाले। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप चेक, टाइप चेक में है हमारे पास रीडेबल है या राइटेबल भी है साथ, जो हमारा पेज है ये सिर्फ इसको हम लोग रीड कर सकते हैं या राइट भी कर सकते हैं। देखो तो कंप्यूटर में जो एडमिन हो एडमिन के लिए सारे पेज रीडेबल भी होते हैं राइटेबल भी होते हैं, जो भी अपने भी और यूजर के भी है कि नहीं, एडमिन वाला जो अकाउंट होता है उससे आप खोलिए तो आप यूजर की भी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसको राइट भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वाली जो राइट बिट है ये सुपरवाइजर के लिए मतलब एक्ट नहीं करेगी, सुपरवाइजर के लिए ये चीज
mandatory नहीं है. When the process is executing at supervisor level, all pages are both readable and writable. अगर supervisor level पे आप काम कर रहे हो, सारे पेज readable भी है, writable भी है, आपके लिए कोई problem नहीं. लेकिन अगर processor हमारा user level पे काम कर रहा है, यानी कि जो हमारा code run कर रहा है, वो privilege level 3 पे run कर रहा है, ठीक है? यानी हमारा effective privilege level अगर 3 है, तो फिर इस bit को हमें देखना पड़ेगा कि जिस पेज को हम लोग write करना चाहें, वो writable है भी या नहीं. अगर ये bit 0 है, इसका मतलब वो सिर्फ read only है, आप उस पेज को read कर सकते हैं, write नहीं कर सकते. अगर ये bit 1 है, RW में, bit, तो फिर आप उसको write भी कर सकते हैं, read भी कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आई ये बात आपके? पेज लेवल प्रोटेक्शन में दो ही चीजें हमारे पास, प्रिविलेज चेक और टाइप चेक. प्रिविलेज चेक में ये चेक करना है कि ये जो पेज है वो यूजर वाला है या सुपरवाइजर वाला है. अगर यूएस वाली बिट 0 का मतलब सुपरवाइजर लेवल पे, और यूएस बिट अगर 1 है इसका मतलब यूजर लेवल पे. तो अगर सुपरवाइजर लेवल पे है तो सिर्फ प्रिविलेज लेवल 0, 1, 2 वाले इसको एक्सेस कर सकते हैं, और अगर यूजर लेवल पे है तो 3 वाले भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? एक्सेस करने वाला भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं. अब रीड कर सकते हैं, राइट कर, एडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो इस वाली बिट पे डिपेंड करता है. तो अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे खेल रहे हैं, ठीक है, एडमिन है अगर आप, तो आप किसी कुछ भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, किसी भी पेज को, आपको कोई रोकने वाला है, समझ आई बात? और अगर आप यूज, आप जो है वर्क कर रहे हैं यूजर लेवल में, ठीक है, तो यूजर लेवल में क्या होगा फिर? फिर हमारे पास सिर्फ जो पेज यूजर लेवल पे है उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, और फिर हम इस बिट को देखेंगे. अगर ये बिट 1 है तो हम उसको राइट कर सकते हैं, और अगर ये बिट 0 है तो हम इसको राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड ओनली पेज है हमारे पास वो, ठीक है? रीड ओनली फाइल्स होती है जैसे हमारे पास, तो रीड ओनली फाइल्स में अगर रीड ओनली फाइल का रीड ओनली हटाना हो हम लोग, तो हमें एडमिन अकाउंट से उसको हटाना पड़ेगा. एक नॉर्मल यूजर गेस्ट अकाउंट से आप रीड ओनली फाइल का रीड ओनली चीज नहीं हटा सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते, जब तक कि आपके पास एडमिन लेवल के प्रिविलेज ना हो, सही है? फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्शन रिंग, ठीक है? प्रोटेक्शन रिंग्स पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही अगर आता है एग्जाम में तो हमें ये बता देना कि इस टाइप की रिंग्स हो, ठीक है? ये डायग्राम जरूर बनाना, ये डायग्राम बनाने पे आधे से ज्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेज इज इंप्लीमेंटेड बाय असाइनिंग अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 3 टू की ऑब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोसेसर. की ऑब्जेक्ट्स मतलब वही जो जितने हमारे कोड सेगमेंट्स हैं हमारे पास, और जो जितने भी सेगमेंट हैं डेटा कॉल गेट्स वगैरह, उनको हम लोग क्या करेंगे, प्रिविलेज लेवल हम लोग असाइन करेंगे, ठीक है? और वो प्रिविलेज लेवल 0 से लेके 3 तक है, ठीक है? जहां पे 0 जो है वो हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल बता रहा है, और 3 जो है वो लोएस्ट प्रिविलेज लेवल को शो कर, ठीक है? और यहां पर जो हमने रिंग शो करी, इसमें सेंटर जो है वो सबसे क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के लिए और ओएस कर्नल्स वगैरह के लिए हमने रखा है हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल. फिर PL1 पे हमारे सिस्टम सर्विसेज आ जाएंगी, PL2 पे हमारे ओएस एक्सटेंशन आ जाएंगे, और PL3 पे जो यूजर एप्लीकेशन होते हैं वो हमारे पास आते हैं, ठीक है? आउटर रिंग्स आर फॉर द सेगमेंट और लेस क्रिटिकल सॉफ्टवेयर. ये वाली टेबल अगर बना दोगे तो पूरे पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे कि PL0 हमारे पास किस किस चीज के लिए होता है, और मोस्ट प्रिविलेज ये होता है, और ये लीस्ट प्रिविलेज होता है, और यहाँ से इसके लेवल बढ़ रहे हैं, ये न्यूमेरिकली हायर जा रहा है, लेकिन हायरेटिकली ये लोअर जा रहा है, ठीक है? तो ये बस आज के लिए यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं इसको. नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इस यूनिट के बाकी जितने टॉपिक पढ़े हैं वो सब निपटा दें. देखो फर्स्ट यूनिट बहुत ज्यादा बड़ी थी, सेकेंड यूनिट भी अच्छी खासी बड़ी थी, थर्ड यूनिट उससे छोटी थी, उसमें ज्यादा चीजें थी, फोर्थ यूनिट में और भी कम चीजें, ठीक है? फिफ्थ में पता नहीं, मुझे मैंने अभी ठीक से देखा नहीं है, वैसे है कमी है उसमें भी टॉपिक, मल्टीटास्किंग है सिर्फ उसमें, तो फिफ्थ में लेकिन एक अच्छा एक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है टास्क स्टेट सेगमेंट, तो उसके लिए डिटेल चाहिए, डिटेल में डिस्कस हम लोग करते हैं, ठीक है? तो एक लास्ट मिनट रिकैप, हम लोगों ने आज क्या क्या किया, ठीक है? एक तो नीड फॉर प्रोटेक्शन क्या है हमारे पास, ऑब्वियसली बात है. फिर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं कि हम लोग एक तो लिमिट चेक कर रहे हैं, टाइप चेक कर रहे हैं, और प्रिविलेज चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो सेगमेंटेशन वाले जो सेगमेंट लेवल की प्रोटेक्शन, उसमें हम लोग लिमिट चेक करते हैं कि लिमिट हमारी है या नहीं, उसमें 8 बिट वाला देखना होगा, 16 बिट 32 बिट वाले के अलग अलग चेक करना पड़ेगा कितना कम होना चाहिए लिमिट से, वो देखें. उसके बाद टाइप चेक करेंगे हम लोग, जो हम लोग चाह रहे हैं जिस टाइप का सेगमेंट को एक्सेस करना, उस टाइप का वो सेगमेंट है भी या नहीं. फिर हमारा प्रिविलेज चेक होगा कि जिस सेगमेंट को हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं उसका प्रिविलेज हमारे से कम होना चाहिए, तभी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं. इसमें हमारे पास रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल था जो हम दे रहे हैं सेलेक्टर के थ्रू. फिर हमारे पास एक क्या था, फिर हमारे पास रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल था, फिर एक था DPL जो डिस्क्रिप्टिव प्रिविलेज लेवल था, उसके बाद था हमारे पास CPL जो कोड प्रिविलेज लेवल था, जो करंट प्रिविलेज लेवल जो चल रहा है जिसमें कोड हमारा, और उसके बाद लास्ट में था हमारे पास EPL जो इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल है. तो रिक्वेस्टेड और कोड वाले को ये कंपेयर करेगा, उसमें से जो भी कम प्रिविलेज लेवल होगा, न्यूमेरिकल जो भी हायर होगा, उसको ये वहां से EPL में डाल देगा, और हमेशा ये EPL ही चेक किया जाएगा उस सेगमेंट के DPL के साथ में जिसको हमें एक्सेस करना, ठीक है? तो ये हमारे पास थी प्रिविलेज लेवल वाली बिट थी, ठीक है? प्रिविलेज चेक था ये. उसके बाद हमारे पास पेज लेवल प्रोटेक्शन था. पेज लेवल प्रोटेक्शन में हमारे पास दो टाइप के चेक है. लिमिट चेक यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हर पेज हमारा 4K का है, और हमारे पास जो ऑफसेट एड्रेस है पेजिंग के लिए वो 12 बिट का है, तो हर पेज हमारा एक्सेसिबल है, लिमिट का प्रॉब्लम नहीं.
प्रिविलेज चेक में हमें ये चेक करना है कि जो पेज है वो यूजर लेवल पे है, सुपरवाइजर लेवल पे, तो उसके हिसाब से हम जो प्रोग्राम चल रहा होगा उसको एक्सेस देंगे। फिर टाइप चेक में ये चेक करना है कि जो पेज है रीडेबल भी है राइटेबल भी है, ठीक है। अगर सिर्फ रीड ऑनली है तो सिर्फ रीड ऑनली रहेगा यूजर प्रोग्राम के लिए, और अगर राइटेबल भी है तो वो राइटेबल भी रहेगा यूजर प्रोग्राम। लेकिन अगर हम सुपरवाइजर प्रोग्राम से सुपरवाइजर लेवल से अगर इसको एक्सेस करेंगे तो सारे पेज हमारे पास रीडेबल भी है और राइटेबल। लास्ट में हमारे पास प्रोटेक्शन रिंग्स थी जो हमारे पास रेडली आउटवर्ड होती है, सेंटर में हमारे पास प्रोटेक्शन लेवल सॉरी प्रिविलेज लेवल जीरो है जो ओएस कर्नल्स के लिए होगा, वन हमारा सिस्टम सर्विसेज के लिए होगा, थर्ड जो टू होगा वो हमारे पास ओएस एक्सटेंशंस के लिए होगा, और थर्ड हमारे पास यूजर एप्लीकेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को, शायद मैंने जल्दी जल्दी बोला, टाइम फिर भी देखो 35 मिनट हो ही गए, सही है। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक कर दो, और चैनल के सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ाओ, चारों में 1000 इसी तरीके से हो जाए इस महीने में, लेकिन फिर लग नहीं रहा कि हो पाएंगे। खैर ये तो तुम ही लोग डिसाइड करोगे होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।